ग्रह की परिक्रमा करने के बाद रामलला के सामने दंडवत हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी। उनका भी ये संकल्प था उस समय से जब वो प्रचारक हुआ करते थे कि राम का मंदिर जरूर बनेगा। कार सेवकों से लेकर संत समाज से लेकर कानून विदों से लेकर बहुतों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने इस वक्त दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही दंडवत प्रणाम उन्होंने शिलान्यास के वक्त भी किया था, जब अस्थाई मंदिर में टेंट से अपने हाथों में उठाकर लेकर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां उन्हें स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे शिलान्यास के लिए, इसी तरह दंडवत अवस्था में वो रामलला के सामने आए थे। एक बार फिर उसी संकल्प को लगता है भगवान के सामने दोहराने आए थे कि जब देखा था आपको टेंट में तो उसी दिन सोचा था आऊंगा, तब जब राम मंदिर बनेगा अस्थाई मंदिर में ले आया हूँ, स्थाई मंदिर में भी लेकर जाऊंगा। और आज वो घड़ी आ पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी जो इस प्राण प्रतिष्ठा से पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, एक उपयुक्त यजमान के तौर पर उन्होंने खुद को तैयार किया, 11 दिन का कठिन व्रत लिया, दक्षिण भारत से लेकर उन तमाम जगहों पर उन्होंने दर्शन पूजन किया श्री राम का, जहां जहां उनके चिन्ह थे। रामेश्वरम भी गए श्री